वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं होंडा CB350। जी हां, इसका रिव्यू आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, माफी चाहूंगा थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो में सारी चीजें बता दूं। इसकी प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी, उसमें जो है बाइक का वॉक अराउंड और रिव्यू दिया था कि उसमें क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है। और इस वीडियो में हम जो है इसका राइड रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि ये इंडियन रोड्स पर कैसा परफॉर्म करती है और इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी कैसी है। और भोपाल में अगर आपको होंडा की कोई भी व्हीकल लेनी हो तो आप होंडा बिगविंग पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड थैंक्स टू होंडा बिगविंग कि उन्होंने हमें ये व्हीकल प्रोवाइड करी। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करें आप बताइए मुझे। तो सबसे पहले हम इंजन से शुरुआत करते हैं। इंजन की अगर हम इसमें बात करें तो आपको सेम इंजन मिलता है, इंजन में कोई भी चेंजेस मेजर नहीं है। 348 cc का आपको इंजन मिल जाता है जो कि मैक्स पावर अराउंड प्रोड्यूस करता है 21 PS के आसपास की, और मैक्स टॉर्क 29 Nm का। तो टॉर्क जो है वो इंजन में काफ़ी अच्छा मिलता है। ऑब्वियसली ये एक थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है जिसमें टॉर्क जो है वो कंपनी ने ज़्यादा देने की कोशिश करी है और ज़्यादा दिया है, जिस वजह से आपको एक वो क्लासिक मोटरसाइकिल वाला फील आ पाए। अब टॉर्क होता क्या है ये मैं आपको आगे चल के डेमोस्ट्रेट ही कर दूंगा, आज बताऊंगा नहीं मुंह से, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा टॉर्क और कम टॉर्क वाले इंजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इंजन में जो पावर है वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 21 BHP की है पावर, और इन सारे फिगर्स के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज वो तो आपको गूगल पर मिल जाते हैं, लेकिन राइड क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। आइए थोड़ा सा परफॉर्मेंस साउंड सुनिए, साउंड जनाब कट ऑफ में साउंड सुनिए कितना ज़बरदस्त आ रहा है। बुलेट वाले तो परेशान हो जाएंगे, कहेंगे हमारे तो साइलेंसर्स पे वो जो है रोड रोलर चला रही थी पुलिस, और इसमें तो कंपनी ने ऐसे ही साउंड दे दिया, इसके साइलेंसर पे रोड रोलर कौन चलाएगा। लेकिन कंपनी ने जो है इसमें पहले से ही ऐसा एग्जॉस्ट दे दिया है। टर्निंग रेडियस की अगर हम बात कर लें तो टर्निंग रेडियस एक बार देख लेते हैं, कोई आ तो नहीं रहा है। ओके, एक मिनट वेट करेंगे क्रॉसिंग पे। कोई भी लोग है ना ऐसे डाइवर्जन पे एकदम से मत निकला करिए, कोई भी तेज स्पीड में अगर आ रहा है तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है। टर्निंग रेडियस जो है बाइक का काफ़ी अच्छा है। गियर बॉक्स जो है मक्खन गियर बॉक्स है, बिल्कुल बटर स्मूथ गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में वो आपको ठक से आवाज़ भी नहीं आएगी, बहुत ज़बरदस्त, बस एक हल्का सा क्लिक साउंड है एयरबॉक्स में, एक टैक्टाइल फीडबैक है कि आपको पता चल जाएगा कि गियर जो है वो शिफ्ट हो गया है। लेकिन होंडा की जो असली स्मूथनेस है ना वो इस इंजन में मौजूद है। इससे पहले मैंने CB300F का रिव्यू करा, उसमें ऐसा लगा कि नॉट द बेस्ट रिफाइंड इंजन, लेकिन इस वीडियो में जो इस बाइक में जो इंजन है इसका रिफाइनमेंट लेवल और स्मूथनेस लेवल एकदम टॉप नॉच है, बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा लगी नहीं हम लॉन्ग स्ट्रोक इंजन चला रहे हैं, अगर आप बुलेट या कोई पुरानी बुलेट चलाएंगे, इलेक्ट्रा या कोई वाला इंजन चलाएंगे तो उसमें आपको लगेगा कि भयानक वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। ओके, मिरर जो है वो काफ़ी टाइट है। रेयर व्यू है जो ठीक ठाक ही मिल रहा है, रेयर व्यू अच्छा मिल जाता है आपको रेयर व्यू। बाकी जो राइडिंग पॉस्चर है वो काफ़ी अपराइट मिल जाता है, इसका राइडिंग पॉस्चर अपराइट होने की वजह से आपको जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। और हैंडल बार काफ़ी वाइड है तो आपको जो है ओपन करके आप चेस्ट जैसे चलाते हैं तो आपको ऑन द बाइक वाला फील आता है। अगर आप थोड़े से लंबे चौड़े हैं तो इस बाइक पर दिखने में और भी आप ज़बरदस्त लगेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 165 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ा सा कम है, बट ये टकराती नहीं है अभी तक, एक भी प्रॉब्लम मुझे ऐसा नहीं लगा एक भी बार कि ये नीचे अंडरबेली स्क्रैच कर रही हो। बट हाँ, अगर आप किसी हैवी पिलियन के साथ बैठ गए और बड़े स्पीड ब्रेकर पर बाइक को तेज स्पीड में लेकर जाएंगे तो नीचे से अंडरबेली स्क्रैच कर देगी, तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा और बढ़ सकता था। बाइक का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बाइक में ओवरऑल वो मुझे काफ़ी पसंद आया कि वेट जो है वो काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस वजह से हैंडलिंग जो है बाइक की वो ज़्यादा अच्छी महसूस होती है। फ्रंट एंड से मोटरसाइकिल ज़्यादा लाइट महसूस होती है, हालांकि इसका वेट जो है वो 187 kg का है जो कि ज़्यादा है, बट फ्रंट एंड से लाइट महसूस होती है और ओवरऑल जो हैंडलिंग है मोटरसाइकिल की वो भी लाइट फील आपको देगी। तो चलते में आपको थोड़ा सा एफर्टलेस फील आएगा, वो फील नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा हैंडलिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इस टाइप वाला फील आपको इसमें नहीं आएगा। सेकंड गियर एंड यू आर ऑन 80, अरे वाह यार, सेकंड गियर पे 80 टच कर रही है मोटरसाइकिल। ओके, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अभी तक लगी है वो है इसका एग्जॉस्ट नोट, वही सबसे ज़्यादा बेहतरीन मुझे इसमें लगा है। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो ब्रेक्स आर गुड डिसेंट, इनिशियल बाइट जो है वो थोड़ा सा लैक करती है, थोड़ा सा और बेटर इनिशियल बाइट मिल जाती तो और मज़ा आता। बाकी मिड रेंज परफॉर्मेंस इज़ ठीक ठाक और लो एंड परफॉर्मेंस इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। हाँ, आपको एक चीज़ बतानी थी कि टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क मैं आपको बता देता हूँ। आइए साइड में थोड़ा सा बाइक को लेते हैं हम, चलिए। अब ये जो क्लच है आपके, क्लच का लीवर देखिएगा बस विदाउट द थ्रॉटल, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये चलने लगी तो ये होता है टॉर्क। अगर ये किसी लो टॉर्क मोटरसाइकिल में मैं करूं और सेकंड पे भी हम धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे तो ये चली जाएगी बाइक, तो अगर ये मैं किसी लो टॉर्क मोटरसाइकिल में करूं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है विदाउट द थ्रॉटल, थ्रॉटल उसमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है टॉर्क, तो जिसमें ज़्यादा टॉर्क है उसमें पिकअप ज़्यादा अच्छा है, लगिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, हैवी वेट लोगों के साथ वो गाड़ी जो है वो आसानी से चल सकती है।
कंफर्ट की अगर बात करें तो ओवरऑल कंफर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे बाइक का, और कंफर्ट के रिगार्डिंग मुझे इससे कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्लांटेड है। फ्रंट सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको स्टिफर साइड पर है, लेकिन जो रेयर सस्पेंशन है वो जो है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, जिस वजह से आपको बेटर फील एंड फीडबैक आएगा। फैमिली के साथ अगर आपको ट्रैवल करना है तो सीट जो है वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है, पिलियन सीट स्पेशली, बिकॉज सीटिंग रूम जो है पिलियन के लिए छोटा आपको उसमें मिल जाता है, और छोटे रूम की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि सीट जो है वो थोड़ा सा पिलियन के लिए अनकंफर्टेबल हो सकती है। ब्रेक्स आर गुड, डुअल चैनल एबीएस आपको इसमें मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। ब्रेक्स की इनिशियल बाइक थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट फिर भी इस टाइप की मोटरसाइकिल के हिसाब से अच्छे ब्रेक्स मिलते हैं आपको। तो टॉप एंड परफॉर्मेंस जो है वो इंजन में ठीक ठाक ही आपको मिलता है, डिसेंट टॉप एंड मिलता है, बिकॉज लॉन्ग स्ट्रोक इंजन आर नॉट रियली डिजाइन टू डिलीवर द टॉप एंड परफॉर्मेंस। तो आपको इसमें मिड रेंज और लो एंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, जिसमें आप इसमें आराम से राइड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादा थ्रॉटल के बिना ये राइड कर सकते हैं वाली मोटरसाइकिल्स आप। तो इस टाइप के अगर ख़राब रोड पर भी आप इसको राइड करते हैं तो आपको ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज जो सस्पेंशन सेटअप है वो इसका काफ़ी सॉफ्ट है, जिस वजह से ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है वो आपको काफ़ी स्मूथ और प्लांटेड मिलेगी। तो अगर आपको स्लो स्पीड में ओवरऑल राइड करना है और एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन के साथ मोटरसाइकिल चाहिए, अब लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में बस यही रहता है कि जो लोअर एंड है इंजन का वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जैसे कि बुलेट हुई, मीटियोर हुई, इनमें लॉन्ग स्ट्रोक इंजन कंपनियां ऑफर करती हैं, तो ये भी एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, बट इसमें जो रिफाइनमेंट लेवल है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। इस बाइक के छोटे से प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो रिफाइनमेंट लेवल बहुत अच्छा है इंजन का, जो गियरबॉक्स है वो बहुत स्मूथ है, जो पावर डिलीवरी है वो ओवरऑल बहुत ही अच्छी और स्मूथ पावर डिलीवरी आपको मिलती है, और बाकी ओवरऑल जो क्वालिटी है बाइक में वो बहुत अच्छी है। ये चीज़ मुझे महसूस हुई कि आप बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लें, चाहे फिट एंड फिनिश की बात कर लें। मेरे फ्रेंड के पास भी ये मोटरसाइकिल है जो कि हर वेदर कंडीशन से गुजर चुकी है, लेकिन उसमें कहीं पर भी रस्टिंग को लेकर या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो क्वालिटी इज़ ओवरऑल वेरी नाइस। तो आपको होंडा वाली वो ड्यूरेबिलिटी वाला फील जो है वो इस मोटरसाइकिल में आ जाएगा, इस मोटरसाइकिल में वो फील डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। बाकी अगर डेली राइडिंग के लिए बात करें तो डेली राइडिंग जो है वो इस मोटरसाइकिल से आप बिल्कुल कर सकते हैं, वेट जो है वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता, हैंडलिंग इज़ रियली नाइस, कंफर्ट जो है वो बहुत अच्छा आपको मिल ही जाता है, सस्पेंशन सेटअप है बहुत अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ। पिलियन के लिए जो सीटिंग रूम है वो थोड़ा सा स्मॉल है, तो वो आपको लग सकता है कि थोड़ी सी कमी उसमें लग सकती है, बाकी इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज़ भी अवेलेबल हैं, तो वो आप लगवा सकते हैं, जैसे कि टॉल एक वाइज़र आप फ्रंट विंड स्क्रीन लगवा सकते हैं टॉल, वो भी एक आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज में ऐड करेगी हाईवे पर चलने के लिए। अगर आपको इस पर हाईवे पर चलना है तो आप अराउंड 90 km/h पर जो है आराम से क्रूज कर सकते हैं, क्रूजिंग स्पीड आपको इसमें 90 km/h की ईजिली मिल जाएगी। अगर आप चाहें कि और ज़्यादा आपको ज़्यादा स्पीड पर क्रूज करना है तो 110 या ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पर आके ना ये बाइक थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगती है, जो चीज़ आपको डेफिनेटली हाईवेज पर महसूस होगी। बाकी ओवरऑल मुझे इसमें कोई मेजर इशू, इतना बड़ा मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। बाकी अगर 233,000 वाला भी इसका नीचे वाला वेरियंट है, जिसमें आपको एक क्रोम बेजल नहीं मिलेगी, जो सीट का कलर है वो डिफरेंट मिलेगा, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे, और हाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, तो मुझे 233,000 वाला वेरिएंट जो है वो ज़्यादा वर्थ इट लगता है, जिसमें आप एक्सेसरीज लगा के उसको एक्सेसराइज करके अच्छा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, वो देखने में और ज़्यादा बेहतर लगेगी। बाकी एग्जॉस्ट नोट के तो इसके क्या ही कहने हैं, बहुत अच्छा एग्जॉस्ट नोट है, बहुत ग्रंट है एग्जॉस्ट नोट में, बेस उतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ एग्जॉस्ट नोट काफ़ी लाउड हो जाता है हाई आरपीएम्स पर, जो कि सुनने में जिनको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट सुनने की आदत है उनको जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और जितनी चीज़ें बाइक के बारे में जानने लायक थी वो मैंने आपको सब बता दी होंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और SR मोटर वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़।